पवन सिंह के गाने का व्यूज देखकर चौंक गए खेसारी तो शांत हो गए निरहुआ। जी हाँ, पवन सिंह इस बार जोर शोर से लगे हैं सिर्फ अपने वर्क पर, सिर्फ अपने काम पर, और उस काम के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर अब दिख रहा है व्यूज वाइज। जी हाँ, अभी तक पवन सिंह सबसे ऊपर है। जी हाँ, एक जो लिस्ट तैयार हुई है 3 गाने जो धड़ाधड़ पवन सिंह ने रिलीज किए हैं, इन सब में व्यूज़ के मामले में पवन सिंह सबसे ऊपर चल रहे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक कई गाने रिलीज़ हो चुके हैं और निरहुआ तो इस लाइन में अभी खड़े ही नहीं हुए हैं। खैर, आगे हम आपको बात कर रहे हैं अभी पवन सिंह की, तो हम बता दें कि पवन सिंह का गाना महादेव का दीवाना ने अभी हम वनडे का इसलिए व्यूज़ बता रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह की तो बात ही अलग है, पवन सिंह पे हमेशा तोहमतें आजकल लग रही हैं व्यूज़ बढ़ाने की। तो हम आपके लिए एक और बात लेकर आए हैं। दूसरी बात ये है, पवन सिंह का एक गाना अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है और उस गाने के व्यूज़ महज 3 घंटे में 1.5 लाख है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये गाना जब रिलीज़ किया पवन सिंह ने तो कोई हो हल्ला नहीं मचा, न किसी को बताया गया, बस 1 घंटे के अंदर लोगों को खबर मिली कि पवन सिंह का गाना यशी फिल्म पर रिलीज़ हो रहा है। तो इस 1 घंटे की पब्लिसिटी में किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, गाना यशी फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया जाता है, 3 घंटे में इस गाने को 1.5 लाख व्यूज़ मिलते हैं, सभी फिर ताज्जुब हो जाते हैं, भाई कैसे इतना ज़्यादा व्यूज़। हाँ, आपको ये भी बता दें कि इसका वीडियो 3 दिन में आ जाएगा, जिसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना लिया था, आपको बता दिया था इसके बारे में। साथ ही पवन सिंह का एक और गाना आ रहा है जो काफ़ी सैड सॉन्ग होगा, जो काफ़ी बड़ा सैड सॉन्ग होगा, और साड़ी पर का फोटो, हाँ, जिसका ऑडियो ने पहले ही धमाल मचाया और वीडियो कुछ ज़्यादा ही धमाल मचा रहा है, तो ये भी रिलीज़ कर दिया गया। अब धड़ाधड़ इतने ही रिलीजिंग के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह करना क्या चाहते हैं, क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं, क्यों इतना धमाल मचा रहे हैं, क्यों लोगों को यानी कि अपने दुश्मनों को टेंशन में डाल रखा है। पवन सिंह का एक गाना रिलीज़ होता है तो उसके पीछे कई कहानियां बनने लगती हैं, फिर पवन सिंह का दूसरा गाना तब तक आ जाता है, यानी एक गाना ख़त्म हो नहीं रहा है, बातें ख़त्म नहीं हो रही तब तक दूसरा गाना, और अब सुनने में आ रहा है कि भाई पवन सिंह तो शूटिंग ही करने जा रहे हैं फिल्मों की। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह जैसा पावर स्टार जब पावर दिखाने पर आ जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।